महाराष्ट्र में हम कोल्हापुर में इस वक्त मौजूद हैं और सियासी तापमान यहाँ पर ठंड धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। सियासी तापमान हर दिन एक नए मुद्दे के साथ बढ़ता है। ताजा मामला है उद्धव ठाकरे के चॉपर की चेकिंग का। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे अलग अलग जगहों पर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की जांच, उनके बैग की जांच को लेकर उन्होंने वीडियो भी बनाया और पूरी बातचीत हुई। अब बीजेपी, तमाम अन्य विपक्षी पार्टियां, जो यहां पर सत्ताधारी पार्टी है, महायुति के नेता ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपने आप को शहंशाह क्यों समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक विपक्ष की तमाम पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सब ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं की ही जांच करा रही है, महायुति के नेताओं की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तमाम वरिष्ठ नेता, हर पार्टी के जो यहां पहुंच रहे हैं, उनकी चेकिंग की गई है। आइए जल्दी से आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त चुनाव आयोग की सख्ती बढ़ी हुई है। नेताओं के हेलीकॉप्टर से लेकर सामान तक चेक किए जा रहे हैं। काय नाव तुमचं? कुठे राहणार आहे? उद्धव ठाकरे के भी हेलीकॉप्टर और सामानों की चेकिंग हो रही है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष चेकिंग तो करवा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। तुमचे कलेक्टर साहेबांचं नाव काय? वर्षा ठाकूर ताई, या कलेक्टर आहेत। बरं ठीक आहे, हा चल जय मा करो खोलो। नाही हो दादा, एक मिनिट, पहिलं आय कार्ड। हा काय नाव? महेश शानिमे। महेश शानिमे? महेश शानिमे। शानपण काय? शानिमे। शानिमे कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम। जिल्हा परिषद। अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं दाखवा? सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे तपासा। तुमचं नाव काय? हनुमंत बालके। हनुमंत बालके। हनुमंतके कुठले? कृषी विभाग। कृषी विभाग। तुमचं नाव काय? बालाजी बेवणाळे, कृषी विभाग। कृषी विभाग। फोटो दादा या। तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे। पुंजे। आणि महाराष्ट्रातले सगळ्यात सगळं तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा। करो खोलो। साथ ही ये सवाल भी कि किन किन लोगों की जांच की और पीएम मोदी की जांच क्यों नहीं की। किती जणांना तपासले? किती नाव सांगा, पटपट पटपट। माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक। आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो मी तुम्हाला। सोलापूरचं एअरपोर्ट बंद आहे। नाही अडचण नाही, मोदींना तपासलं त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये। आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत माझी जाहीर सभेतली मागणी आहे। तपासा, घ्या, या पोलीस जरा या, या तुमचा पण फोटो काढतो, या आपले बरोबर या, या काय तपासायचंय, लवकर या। एक काम करता का, बॅग ठेवतो तुमच्याकडे, मी आले होते ना, तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामवरती घेऊन जा ना, मला प्रॉब्लेम नाही। या तपासा, या 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 काय तपासायचंय, लवकर या। उद्धव ठाकरे हेलिकॉप्टर चेकिंग का व्हिडिओ तयार कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। सोमवार को यवतमाल में जब चुनाव अधिकारी उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग के लिए आए, उन्होंने वैसे ही सवाल पूछे। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे सर। कुठे राहणार आहे? मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा, ठीक आहे। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? नाही माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही सर, 4 महिने झाले मला। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली? मीच पहिला डिरेक्ट सापडलो। नाही सर, काही नाही, तुमची बॅग नाही माझी तपासा। तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंड्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहांची तपासली? साहेब अद्याप आले नाहीत, नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा, ठीक आहे? नक्की। हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय, मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची, हा मी हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय। उद्धव के सवालों का जवाब देने के बाद अधिकारियों ने हेलिकॉप्टर में रखे सामानों की चेकिंग शुरू की। उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला।
नाव काय सांग ना, माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? विजय पटले. विजय पटले कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यात. उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में रखे सामानों की चेकिंग पर महाराष्ट्र में सियासी हेलीकॉप्टर का पंखा फुल स्पीड में घूमने लगा. शरद पवार ने बीजेपी पर विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाया. दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि चेकिंग हर पार्टी के नेता की होती है, चुनाव आयोग अपना काम करता है. खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है. इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि चेकिंग वो सबकी हो. चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया. तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह या आलम समझते हैं? वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. हम सबके बैग खोलते हैं, किसी का भी खुलता है. और शायद ये कर्मचारी अधिकारी जो काम करते हैं, इसलिए देखिए कितने हजार किलो चांदी कल पकड़ा गया, करोड़ों रुपए पकड़े गए. ये अफसर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. चोर की दाढ़ी में तिनका, डर किस बात का भाई? अगर कुछ है नहीं तो दिखाओ. आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके गाड़ियों का, कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चुनाव के वक्त हेलीकॉप्टर और उसमें रखे सामानों की चेकिंग महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच जंग का एक नया मुद्दा बन गया है. दोनों ओर से वार और पलटवार का दौर जारी है, लेकिन चिमूर में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार वाले पुराने हथियार से ही विरोधियों पर वार किया है. 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाढ़वण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया. इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ी याने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी. माजी एक बैग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंड्याची तपास लेता? उद्धव अपने सामानों की चेकिंग का वीडियो तो बनाते ही हैं, साथ ही ये अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता की चेकिंग करो तो उनका वीडियो भी बनाओ. देखने वाली बात होगी कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के सामानों की चेकिंग का वीडियो कब सामने आएगा. आज तक ब्यूरो.